हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग जा रहे हैं शांति निकेतन और ये एक बाइक टूर है। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 5 और अभी हम लोग निकलेंगे शांति निकेतन के लिए। और कौन से रूट से हम लोग कैसे जाते हैं ये सब सारा वीडियोस में हम लोग शेयर करते रहेंगे आप लोग के साथ, और वहाँ जाके क्या क्या एक्सप्लोर करेंगे वो भी शेयर करते रहेंगे। तो देखते रहिए और हम लोग के साथ बने रहिए। कोलकाता से शांति निकेतन का डिस्टेंस है 180 किलोमीटर और करीब 4 घंटा के आसपास लगता है पहुंचने में। बोलपुर शांति निकेतन जाने के लिए आप लोग ट्रेन भी ले सकते हैं हावड़ा शियालदह से। शांति निकेतन आप लोग साल का कोई भी समय जा सकते हैं। शांति निकेतन में सबसे ज़्यादा भीड़ होता है पौष माला के समय, बसंत उत्सव के समय, और छोनाझुरी हाट जिसको सैटरडे हाट भी बोला जाता है, इस समय काफ़ी टूरिस्ट आते रहते हैं यहाँ पे। आप लोग चाहे तो शांति निकेतन में बोलपुर में भी स्टे कर सकते हैं कोई होटल या होम स्टे लेकर, या प्रांतिक में भी रह सकते हैं। प्रांतिक में भी काफ़ी सारे ऑप्शंस है, वहाँ से रेलवे स्टेशन भी काफ़ी नियर है, तो दोनों जगह ही परफेक्ट है आसपास का एक्सप्लोर करने के लिए। तो हम लोग प्रांतिक में ही एक होम स्टे पूरा बुक कर लिए थे जिसका नाम है अबोशर, आप लोग वीडियो में देख सकते हैं। हेलो एवरीवन, तो हम लोग दोपहर में ही शांति निकेतन पहुंच गए थे। तो काफ़ी बारिश होने के कारण हम लोग बाइक टूर था तो काफ़ी ज़्यादा टायर्ड भी थे। तो अभी बज रहे शाम का 4 और अभी हम लोग निकलेंगे थोड़ा एक्सप्लोर करने। तो पहले हम लोग जाएंगे छोनाझुरी हाट, वो आप लोग को दिखाते रहेंगे। तो हम लोग जो होम स्टे में रह रहे हैं उसका नाम है ओपोशर, उसमें 3 रूम है और 4 बाथरूम है। प्रॉब्लम 2 है, एक है पानी का फोर्स काफ़ी कम है बाथरूम में, सेकेंड है एसी ठीक से काम नहीं कर रहा है। रेस्ट अच्छा लगा हॉस्पिटैलिटी, तो बाकी का हम लोग कहाँ कहाँ जाते हैं आप लोग को वीडियो में बोलते रहेंगे, तो आप लोग देखते रहिए। अभी हम लोग आए हैं बुद्धा स्टैचू देखने, जो 34 फीट अबव है। तो आप लोग देख सकते हैं ये है बुद्धा स्टैचू, और ये जगह आपको छोनाझुरी हाट के एकदम बगल में ही मिलेगा। आप लोग किसी से भी पूछ लीजिएगा तो आप लोगों को बुद्धा स्टैचू के बारे में बता देंगे। अभी कल आना पड़ेगा। तो इसका एंट्री फीस है 30 रुपीज़ और फोटोग्राफी के लिए है 20 रुपीज़, और आज ये 5 बजे तक शाम में बंद हो जाता है, तो इसलिए हम लोग कल सुबह 9 बजे ये फिर से खुलता है, तो कल सुबह ही इसको एक्सप्लोर करेंगे। तो फिलहाल अभी हम लोग छोनाझुरी हाट के लिए निकल रहे हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग का डे 2 है शांति निकेतन में। तो आज हम लोग एक्सप्लोर करेंगे लोकल साइट सीइंग, और आज हम लोग बाइक में नहीं जा रहे, आज हम लोग टोटो भाड़ा किए हैं। तो आसपास का हम लोग जो भी एक्सप्लोर करेंगे आप लोग को दिखाते रहेंगे। और कल हम लोग बुद्धा स्टैचू किए थे और छोनाझुरी हाट गए थे, आज हम लोग रेस्ट देख लेंगे क्या क्या यहाँ पे है, और हम लोग लंच करेंगे मोनोलोखी में, हम लोग प्री बुकिंग कर लिए थे। रेस्ट आप लोग को देखते रहेंगे दिखाएंगे, आप लोग देखते रहेंगे। तो अभी हम लोग बांग्लादेश भवन में आए हैं, पर मेंटेनेंस के लिए बांग्लादेश भवन बंद है, तो टाइमिंग्स और ये आप लोग को दिखा देंगे कब आ सकते हैं, पर अभी फ़िलहाल बंद ही रहेगा।
এটা নিয়ে একটা কবিতা লেখা আছে, তালগাছ এক পায়ে দাঁড়িয়ে সব গাছ ছাড়িয়ে উঁকি মারে আকাশে। এই যে এটা হচ্ছে তিনটি নাম, কাঁচ দিয়ে তৈরি বলে বলে কাঁচ মন্দির, ব্রহ্ম মন্দির কাজ দীক্ষিত বলে ব্রহ্ম মন্দির বলে, বুদ্ধ বুদ্ধ উপাসনা হয় বলে বলে উপাসনা দিও। বেলজিয়াম কাঁচ এবং মাটির চালিকে তৈরি করে প্রতি জন্মাতে মার্কা। তুমি কাল যা শাড়ি দেখিছি চারঠো লে লে না তুম আজ ও নেহি তো মাই লাস্ট অর জাদা রেট বল ঠিক আছে জাদা মে হাম লে লেগা তুম চাপ মত লো तो अभी हम लोग विश्व भारती म्यूजियम में आए हैं, पर अंदर कैमरा अलाउड नहीं है तो इसलिए आप लोग को दिखा नहीं पाएंगे हम लोग। सेकेंड नंबर घर है और बाकी और चार घर है जो अभी काम चल रहा है, उसमें मेंटेनेंस हो रहा है तो वो अभी देखने को नहीं मिलेगा। हम लोग म्यूजियम देख लिए हैं और यहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर का गाड़ी भी है जो आप लोगों को दिखाते हैं चल रहा है। अभी हम लोग बल्लभपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आए हैं, ये एक डियर पार्क भी है तो चलिए आप लोग को दिखाते हैं कैसा है।
নিরালয় বসে করো যোগ সাধনা, নিরালয় নিরালয় বসে করো যোগ সাধনা। এবার ধরতে পারলে মনের মানুষ চলে যেতে আর দেব না, এবার ধরতে পারলে মনের মানুষ চলে যেতে আর দেব না। দেখেছি দেখেছি দুঃখ করে মনের মানুষ কাঁচা শোনা, দেখেছি দুঃখ করে মনের মানুষ কাঁচা শোনা। अभी हम लोग श्रीजोनी शिल्पोग्राम में आए हैं। यहाँ पे आप लोग को बाउल संगीत के साथ साथ काफ़ी सारा सॉविनियर्स भी मिलेगा और सारा हैंडीक्राफ्ट्स का काम भी खरीदने को मिलेगा। काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, तो आप लोग यहाँ पे थोड़ा टाइम बिता सकते हैं।